नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव आदि देव हैं, यानी देवों में प्रथम। इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो अजन्मा हैं। उनका ना आदि है और ना ही अंत है। योगी के रूप में देखे जाते हैं और इनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। सौम्य और रौद्र दोनों ही रूपों के लिए जाने जाते हैं। गले में विषधर सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, डमरू और त्रिशूल को धारण किए हुए भगवान शिव का ये जो स्वरूप है, ये जो व्यक्तित्व है, बहुत ही विराट है, अद्भुत है। और भगवान शिव के इस विराट व्यक्तित्व से जुड़ी कई रोचक रहस्यमयी बातें हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़े ऐसे ही पांच रहस्यों के बारे में, जो बहुत प्रेरणादायक हैं, रोचक हैं और सनातन धर्म की विशालता का, इसकी गहराई का, इसकी व्यापकता का परिचायक है। तो जानते हैं भगवान शिव से जुड़ा पहला रहस्य। भगवान शिव सृष्टि के प्रथम गुरु और प्रथम योगी हैं। भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। आज भी नाथ, शैव, शाक्त, ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये सभी इसी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। भगवान शिव ने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उन्हें योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान प्रदान किया। ये 7 ऋषि आगे चलकर ब्रह्मर्षि कहलाए। इनके नाम हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज, गौर शिरस मुनि, ये सभी इनके शिष्य थे। इसके अलावा मुनि वशिष्ठ और ऋषि अगस्त्य, ये भी भगवान शिव के शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। परशुराम, दशानन रावण, ये भी इनके शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव ने ही धरती पर सबसे पहले धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भगवान शिव ने ही सबसे पहले मोक्ष या निर्वाण का परिचय दिया। इन्होंने ही इस संभावना को बताया कि मानव जाति अपनी मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं से कई गुना आगे जा सकती है। सांसारिकता में रहते हुए भी विरक्त रहना चाहिए। शरीर और दिमाग का हर संभव प्रयोग करना है, लेकिन उसके द्वारा प्रदत्त सुख और कष्टों से प्रभावित हुए बिना। ये महान ज्ञान भगवान शिव के द्वारा ही प्रदत्त है। ये भगवान शिव ही थे जिन्होंने मानव मन में योग का बीज बोया। भगवान शिव से जुड़ा दूसरा तथ्य कि इनका जो व्यक्तित्व है वो समन्वय और संतुलन का प्रतीक है। जहां अन्य भगवान सोने चांदी के विभिन्न आभूषणों से और वस्त्रों से सुसज्जित हैं, वहीं भगवान शिव वैरागी हैं। विरोधी भावों का समन्वय, उनका तालमेल भगवान शिव की पहचान है। शिव जी के मस्तक पर जहाँ एक और चंद्रमा है जो शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर उनके गले में लटका विषधर सर्प उनको प्रिय है। वो अर्धनारीश्वर हैं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप में आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का है, जो स्त्री पुरुष की समानता को दर्शाता है और दोनों के अटूट संबंधों को दर्शाता है। उनका दाम्पत्य प्रेम अद्वितीय है। सती ने जब मृत्यु को वर्ण किया तो दुख में व्याकुल सती का शव सर पर रखकर वो तांडव करते हैं। वहीं दूसरी ओर गृहस्थ होकर भी वैरागी हैं, सन्यासी हैं। पूरे शरीर में भभूत लपेटे हुए हैं और ये संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है और इस भस्म की तरह एक दिन हम सबको मिट्टी में विलीन हो जाना है। सौम्य होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं, संहार के देवता हैं। वहीं शिव परिवार में भी अलग अलग प्रवृत्तियों का समन्वय है, तालमेल है। नंदी बैल है, सिंह है, सर्प है, मयूर है, मूषक है, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वहीं भूत प्रेत आदि उनके परिवार का ही एक हिस्सा है। शिव सह अस्तित्व के भिन्न गुणों के मिलन के महान परिचायक हैं। उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और शिव जी के गले में जो सर्प वो धारण करते हैं वो चूहे का शत्रु है। सर्प और मूषक एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी प्रेम भाव से एक परिवार के सदस्य हैं। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है जो सर्प को खाता है। भगवान शिव का वाहन बैल है, जबकि माँ पार्वती का वाहन शेर है। तो विरोधी प्रवृत्ति होने के बाद भी ये सब मिलजुल कर रहते हैं और एकता और समन्वय के संतुलन की सीख देता है शिव परिवार। तीसरा पहलू जो भगवान शिव के व्यक्तित्व का है वो है उनका तीसरा नेत्र, जो दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये ज्ञान चक्षु है, आध्यात्मिक ऊर्जा को दिखाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा गया है। भगवान शिव का जो ये तीसरा नेत्र है, ये आज्ञा चक्र पर स्थित है, जो विवेक और इच्छा शक्ति का स्रोत है। और अलौकिक ज्ञान के प्रतीक इस तीसरे नेत्र के कारण ही भगवान शिव देवों के देव, महादेव कहलाए। जब ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है तो असीमित संभावनाएं व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती हैं और भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत की संपूर्ण हलचल का बोध व्यक्ति कर सकता है। ये शिव जी का तीसरा नेत्र
सभी विकारों को नियंत्रित करता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको नियंत्रित करता है। शिव जी के माथे पर भभूत से बनी तीन रेखाएं हैं, जो तीनों लोकों का प्रतीक है। चौथी अद्भुत चीज जो भगवान शिव के व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो है उनके गले में लिपटा हुआ विषधर नाग। इसीलिए इनको नागेंद्र हाराय कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसे देवता जिनके गले में सर्प का हार है। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे और समुद्र मंथन के समय उन्होंने रस्सी का कार्य किया, तो इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें अपने गले में धारण किया और अपने आभूषण की तरह इन्हें रखा। महादेव के इस स्वरूप में बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। योग विज्ञान में सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है और ये आपके भीतर की वो ऊर्जा है जो सुप्तावस्था में है। शिव के गले में लिपटा सर्प इस बात का प्रतीक है कि अगर आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को, यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लें, तो शिवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही गले में सर्प को धारण करके भगवान शिव प्रेम और समन्वय का भी संदेश देते हैं। ये संदेश देते हैं कि विरोधी स्वभाव वाले जीव से भी तालमेल बिठाकर प्रेम पूर्वक मित्रवत रहा जा सकता है। पांचवा है त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। इस त्रिशूल के कई अर्थ हैं। ये त्रिशूल कालों को बताता है, भूत, वर्तमान और भविष्य इनका प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप को ये दर्शाता है और भौतिक जगत को छोड़कर सत्य के महत्व को बताता है। इसके अलावा त्रिशूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, इनसे मुक्ति का प्रतीक है। बाएं हिस्से में स्थित इड़ा, दाहिने भाग में स्थित पिंगला और मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक ये त्रिशूली है। भोलेनाथ का अहम अस्त्र है और ये मान्यता है कि जो कोई भी इस त्रिशूल की पूरे विधि विधान से पूजा करता है, भोलेनाथ उस पर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही ये मान्यता भी है कि जो व्यक्ति त्रिशूल का दान करता है, तो उसके सारे दुखों का, सारे कष्टों का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के व्यक्तित्व से जुड़े हुए बेहद रोचक पांच प्रसंग। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।